इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और ये इनकी एक टीम वर्क में भी हेल्प करता है, हाउ कंपेटिटिव बनाता है, और एक कंबाइंड गोल की तरफ लेके जाता है. स्पोर्ट्स ऑलवेज डू दैट, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड एंड हेल्थी फॉर देम. इट ब्रिंग्स अस ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द क्लासेस टू मिंगल विद देम, टू शेयर विद देम देयर जुबिलेशंस और लॉसेस दोनों. एक्टिविटीज़ जो है हमारी यूनिवर्सिटी की काफ़ी कम हो चुकी हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के जो हैं टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ के टूर्नामेंट है वो नहीं हो रहे. तो ये एक हमारे डिपार्टमेंट ने टूर्नामेंट करवाया था मिड्स के फ़ौरन बाद, कि बच्चे ज़रा पेपर से फ्री हो लें उसके बाद जो है एक एक्टिविटी रखी जाए. तो ये दो दिन का टूर्नामेंट था, तो हम खुश हुए हैं. मतलब ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए हर सेमेस्टर में. बहुत इनक्रेज करते हैं कि वो जो है कंपटीशन में आए, ठीक है, ना कि सिर्फ क्लास में आए, बल्कि हमारे जो ग्राउंड हैं इनमें बच्चों में कंपटीशन जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. काफ़ी सनसनी खेज मैचेस रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने इंजॉय किया है, क्राउड ने इंजॉय किया है. इवन कि हमारी फैकल्टी, आपने देखा होगा, फैकल्टी मेम्बर्स आए हैं, स्टाफ आए हैं, यहाँ पे बैठ के उन्होंने सन रेजेस को एंजॉय किया है, और टूर्नामेंट को बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा है.